वो ये खड़ी अपनी नई रेंज रोवर, तो बाइक को यहाँ खड़ी करता हूँ और गेड़िया मारते शहर में दिखाता हूँ आपको अच्छे से। क्या बात है, नई रेंज रोवर और ले आया मैं पहाड़ों पे उठा के सीधा माउंट चिलियाड़ पर। हे गाइस, व्हाट्स अप, मेरा नाम है फ्रैंकलिन और आप देख रहे हो फ्रैंकलिन के व्लॉग्स। तो अभी अभी काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी, अभी अभी रुकी है, मैंने कहा चलो निकलते हैं। और आज फाइनली जो मेरी रेंज रोवर है उसकी डिलीवरी मुझे मिलने वाली है, आ चुकी होगी वो शोरूम पर, तो वही लेने जाना है। और मेरे पास एक ही सूट था, वो भी अब मैला हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक नया सूट ले आऊँ। तो वापस से चलते हैं वही पॉन्सन बेस और अपना सूट लेते हैं एक नया। और ये मैंने बाइक के सैडल बैग्स हटवा दिए, काफ़ी लोग कह रहे थे कि अनमोल भाई हटा दो, तो देख लो भाई इंस्टाग्राम पे जो लोग सजेशन देते हैं वो मैं मानता हूँ ज़रूर। तो इसके सैडल बैग हट चुके, अब थोड़ी बुलेट वाली फील आ रही है, बच गया भाई, कहीं भी मोड़ देते ये। और हाँ यार, मैंने एक और बाइक का रिव्यू करा है गेमिंग तक यूट्यूब चैनल पे, जो कि है कावासाकी की निंजा ZX10R। तो वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, GTA 5 की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उस चैनल पे भी मैं हफ्ते में दो चार तीन, मतलब कुछ ना कुछ तो GTA 5 के गेम प्लेस डालता रहता हूँ, तो मेरे को फॉलो कर लो यार उस वाले चैनल पे। और इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, क्योंकि ये बाइक्स कार्स वगैरह मैं कहाँ से लाता हूँ, मतलब मोडिंग जो मैं करता हूँ उसका मैंने ट्यूटोरियल डाला है इंस्टाग्राम पे। तो आपको वहाँ पर सीखना है कि कैसे ये सब गैरेज वैरेज नया अपार्टमेंट कैसे लेते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर आके देख सकते हो। और ये आ गया है पॉन्सन बेस, यहाँ से मैं फटाफट से अपना एक सूट ले लेता हूँ नया और जूते भी, और फिर अपनी डिलीवरी लेने चलेंगे रेंज रोवर की। कितना प्राइस वगैरह सब वहीं जाके बताऊंगा। तो भैया सूट मुझे ब्लू कलर में लेना, ये वाला मैंने पिछली बार देखा था। और जूते, ब्लैक शूज नहीं है कोई, प्लेन। You won't find those anywhere else. ये सही लग रहे हैं ना, We चलो don't have a return policy. चलो भाई, तो बन गए हम जेंटलमैन और अपनी रेंज रोवर लेने चलते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन की तरह लगना है ना भाई साहब। और अब चलते हैं अपना डीलरशिप जो था PDM, और वहाँ से अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं। तो भाई वो जो गाड़ी है वो मैंने इंडिया से इंपोर्ट नहीं करवाई है, क्योंकि वो यहाँ भी मिल जाती है। इंडियन करेंसी की बात करूँ तो मुझे लगभग पड़ी है वो 40-45 लाख के बीच में ही, मतलब ऑन रोड प्राइस 43 लैक्स पड़ गया, तो आप 45 लाख ही लगा लो राउंड ऑफ करके। इसके अलावा उसकी टॉप स्पीड जो है वो कंपनी बताती है 240 किलोमीटर पर आवर, बाकी हम चेक करेंगे ही और थोड़ा बहुत देखेंगे। और मैं कंफ्यूज हूँ यार कि फॉर्चुनर और उसके में, मतलब रेंज रोवर के बीच में कौन सी गाड़ी रखूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और इंस्टाग्राम पे भी सजेशन दो कि फॉर्चुनर रखूँ अपनी या फिर रेंज रोवर रखूँ। फॉर्चुनर मैंने अलग से वीडियो में दिखाई थी, वो भी आप वीडियो देख सकते हो, और आज रेंज रोवर दिखा दूँ अच्छे से। और सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बना दूँ दोनों का कंपेरिज़न, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कंपेरिज़न देखना चाहते हो आप दोनों का, तो दिखा दूंगा और फिर चूज़ करने में आसानी होगी। लो भाई शोरूम आ गया है, और मैंने जल्दबाजी के चक्कर में हेलमेट भी लगाया। ओ ये खड़ी अपनी नई रेंज रोवर, तो बाइक को यहाँ खड़ी करता हूँ और गेड़िया मारते शहर में दिखाता हूँ आपको अच्छे से। क्या लग रही है यार, ऐसे देखो अच्छे से देखो। तो मेटेलिक ब्लैक कलर में मंगवाई है, रेंज रोवर इसी कलर में ज़्यादा फेमस है। बैक साइड में देख लो आप, सिल्वर कलर का यहाँ पर रेंज रोवर लिखा हुआ है और नंबर प्लेट लगी हुई है। इसके अलावा फ्रंट साइड में भी देख लो रेंज रोवर लिखा है। और यहाँ पता नहीं यार हमेशा पुलिस की गोलियाँ ही क्यों चलती रहती है ना, हमेशा आवाज़ आती रहती है। तो चलो मैं इसको लेता हूँ और कहीं और जाके अच्छे से दिखाता हूँ, और थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं इस गाड़ी की कैसी है। ओहो आवाज़ तो सही है, रुको पहले यहाँ से दूर जाया जाए। भाई क्या आवाज़ है, सही आवाज़ है यार गाड़ी की तो, मस्त। थोड़ा धूप वाले एरिया में ले जाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको गाड़ी, यहाँ खड़ी कर लेता हूँ। सॉरी 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 बे, निकलो यहाँ से, तुमने कोट पैंट में देख लिया तो तुम समझ रहे हो कि हम शरीफ आदमी हैं। तो अब देखो भाई आराम से गाड़ी को, ये है फ्रंट साइड इसकी, फिर आगे चल, निकल 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 निकल, अभी खा लेगा गोली। हाँ तो ये है इसकी फ्रंट साइड, देख सकते हो लैंड रोवर लिखा है और रेंज रोवर भी लिखा है। इसके अलावा साइड में ये क्रोम का क्या कहते हैं इसको, मेरे को नहीं पता। टायर्स भी काफ़ी सही है, देखो मिशलिन के टायर है, मिशलिन डिफेंडर आता है मॉडल वो है। बैक साइड में भी रेंज रोवर लिखा है, और अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ, और सनरूफ भी है इसमें सबसे अच्छी चीज़। तो ये तो है भैया इसका इंटीरियर कुछ इस तरह का, काफ़ी ऊँची गाड़ी है, SUV है क्योंकि,
और ये है सबसे मेन चीज़ इसका सनरूफ, ये देखो। तो ये चीज़ फॉर्च्यूनर में नहीं है, इसलिए मेरा थोड़ा इस पे ज़्यादा दिल आ गया। बाकी एक बार साउंड भी सुन लो भाई। ओ भाई फ्लेम्स निकल रहे हैं गाड़ी में से, देखो तो पीछे क्या बात है यार। मेरा तो दिल इसी पे आ रहा है फॉर्च्यूनर से ज़्यादा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दो, फॉर्च्यूनर रखूँ या ये रखूँ। टॉप स्पीड भी चेक करी जाए इसकी एयरपोर्ट जाके। चलो आज एयरपोर्ट नहीं जाते, आज यहाँ चेक करते हैं, इस रोड पे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इस एरिया में गए हुए। चलो हो, उसकी कॉफ़ी गिरा दी बताओ। और मेरे ख्याल से तो यार ये ज़्यादा अच्छी कंट्रोल हो रही है फॉर्च्यूनर से मेरी। अब बाकी तो एक बार दोनों को आमने सामने रखूँगा तभी समझ आएगा ज़्यादा कौन सी रखूँ कौन सी ना रखूँ। ये देखो कंट्रोल, ये उससे तो अच्छी हो रही है भाई। इसके फिर एग्जॉस्ट देखो, एग्जॉस्ट भी ज़्यादा अच्छे हैं और दिखने में भी काफ़ी सही है। इंटीरियर भी अच्छे है फॉर्च्यूनर के, तो इंटीरियर इतने खच्चर से है पुराने ज़माने टाइप के। ऊपर से सनरूफ है इसमें सबसे मेन चीज़। तो बताओ यार मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, आप बताओ। मेरा दिल तो वैसे रेंज रोवर पे ही है, बाकी तुम बताओ रेंज रोवर लूँ या फॉर्च्यूनर। इसमें देखो फ्लेम्स भी निकलते हैं एग्जॉस्ट में से, उसमें कुछ नहीं निकलता है फॉर्च्यूनर में, इसलिए ज़्यादा दिल मेरा रेंज रोवर पे ही आया हुआ है। आवाज़ मस्त लग रही है, एकदम घूँ घूँ करके चल रही है। ओए ओए होए, ऐसा लग रहा है सुपर कार चल रही हो गई। बट कंट्रोलिंग के मामले में काफ़ी सही है गाड़ी। तो ये आ गए हैं मेरे फेवरेट हाईवे पे, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, भगाने में मज़ा आता है इस हाईवे में मेरे को। और 130 140 तो बिल्कुल आसानी से पहुंच रही है, मैं ज़रा सा मतलब रेस दे रहा हूँ। वैसे 240 बताई है कंपनी ने टॉप स्पीड, पर 180 190 पे भी हम इसे पहुँचा दे तो काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। 200 भी पहुंच जाए तो काफ़ी ठीक है फिर भी। अब बस सीधा हाईवे आते ही इसको मैं फुल स्पीड में रेस दे दूंगा और पिकअप भी पता चल जाएगी। पिकअप अच्छी है वैसे तो अभी पता चल रही है, बट एक बार बिल्कुल स्ट्रेट वाला हाईवे आ जाए फिर टॉप स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा अच्छे से। ये देखो कंट्रोलिंग के मामले में ना 150 पे भी अच्छे से कंट्रोल हो रही है, और फॉर्चुनर तो ऐसी थी भाई साहब जैसे नाच रही हो। ये आ गया देखो थोड़ा सा स्ट्रेट हाईवे, अब यहाँ पे भगाने की कोशिश करूँगा मैं। स्पीड पे नज़र रखना और कमेंट सेक्शन में बताना भाई साहब कितनी स्पीड हुई है टॉप, क्योंकि मैं रोड पे ध्यान रख रहा हूँ, स्पीड पे ध्यान दिया तो हो जाएगा काम तमाम। 185 तो पहुँच गई भाई, 190, ब्रेक मारनी पड़ेगी। ब्रेकिंग इसकी इतनी खास नहीं लग रही क्योंकि SUV टाइप है, बट अच्छी है कंट्रोलिंग के मामले में, काफ़ी अच्छी है, अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। साउंड तो खैर दबा के मस्त है इसकी। तो भाई बाकी इसका भी अभी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का टेस्ट करेंगे, मैं माउंट चिलियाड़ के वहीं पे ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा ऑफ रोडिंग पे कैसे परफॉर्म करती है गाड़ी, क्योंकि तो फॉर्चुनर ऑफ रोडिंग के मामले में तो काफ़ी सही थी। अब इसमें देखते हैं कैसी है ये वाली, कैसी है मतलब। ओ भाई बच गया ना, देख रहे हो क्या चला रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब 200 पार हो गई, 200 हो गई थी ना, बताना कमेंट सेक्शन में ज़रा। मैंने तो शायद 199 देखा था, मेरे ख्याल से 200 हो गई थी, और अभी भी मैंने लास्ट गियर पे नहीं लगाई थी, तो 200 पार हो ही जाएगी पक्का। एक तो ट्रैफिक बहुत है ना इस हाईवे पे, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा, थोड़ा आराम आराम से चला रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बिक रही थी तो मैं सोच रहा था उसमें इन्वेस्ट करने की, एक बार देख आता हूँ। और पेट्रोल भी ख़त्म हुआ पड़ा भाई साहब, पेट्रोल भी भरवाना है। लेस्टर ने बताया था ये वाली प्रॉपर्टी, हाँ ये बिक रही है शायद से, कुकीज़, ये रेस्टोरेंट है एक, तो देखता हूँ कितने का बेच रहे हैं, क्या सिस्टम है इनका पूरा। यहाँ खड़ी कर देते हैं अपनी गड्डी नू, चलो पता करता हूँ कितने का बेच रहे हैं, क्या सिस्टम है। मैं सोच रहा हूँ एक दो बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर लूँ जितना ज़्यादा हो सके। कुकीज़ $6 लाख का है यार, बस वीकली इनकम है $4,700 के आसपास, क्या कहते हो खरीद लूँगा ये। $6 लाख मेरे पास तो यार बहुत है, खैर 2 करोड़ कुछ डॉलर है मेरे पास, $6 लाख सही है। बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आप कहोगे तो मैं ये रेस्टोरेंट ख़रीद लूँगा। एक बार अंदर से भी अभी दिखाऊँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा है। यार वीकली 4,700 रुपये मिलेंगे, $700 मिलेंगे, सही है ना, ये देखो काफ़ी सही है।
तो यार मैं अब सोच रहा हूँ कि चोरी वोरी तो छोड़ ही दी है, अब थोड़ा बिजनेसमैन टाइप बन गया है, तो भैया थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर दी जाए अच्छी से। बताना यार कमेंट सेक्शन में, ये प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ क्या, ये रेस्टोरेंट, कमाई की कमाई होती जाएगी और पैसा भी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाएगा। पहले तो भैया पेट्रोल पम्प ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, वो तेरी इतनी दूर है पेट्रोल पम्प, तो बैग तो लूँगा नहीं भाई, यहीं चलते हैं उससे अच्छा, तो यहाँ पेट्रोल भरवाते हैं जल्दी से फटाफट चल के और फिर ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे। बट यार ये प्रॉपर्टी का ज़रूर बताना, मैं कंफ्यूज हूँ। वैसे तो मैं सोच ही रहा हूँ कि कर दूँ इन्वेस्ट, बाकी आप बताओगे जैसा बोलोगे। इंस्टाग्राम पे बताना, इंस्टाग्राम पे बता दो, जो लोग यहाँ पे देखते हैं वो डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ अनमोल भाई ये प्रॉपर्टी ले लो। और अभी मुझे थोड़ी तेज़ भगानी पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल बहुत कम है और जाना बहुत दूर है, तो थोड़ा रिस्क है, कहीं बीच में बंद ना पड़ जाए। नई गाड़ी है, अभी लोग हंसेंगे, 50 लाख की 45 लाख की गाड़ी ले ली लेकिन बंदे ने पेट्रोल नहीं भरवा रखा। अरे यहीं से कहीं से दिखा रहा है, जल्दी कर भाई, मैं जितना कम पेट्रोल है उतना ही लंबे रास्ते भूल रहा हूँ, बताओ। बस 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 पहुँच ही गए अब तो। खैर ये आ गया है पेट्रोल पंप, भरवाओ भैया यहाँ पे अपना पेट्रोल, वही $1 में पूरा टैंक फुल, देख रहे हो कितना सस्ता है लॉस सेंटोस में पेट्रोल। चलो भाई अब चलते हैं, तो कुछ मुझे जाना है इस एरिया में, नहीं, इस वाले में नहीं, इस बार मैं सोच रहा हूँ इधर से ही जाता हूँ, ये वाला रास्ता जो है यू टर्न लेना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी असली ऑफ रोडिंग टेस्ट होएगा। चल चल चल, मैं वैसे अभी भी उस प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ, दिमाग में वही घूमे जा रहा है कि अगर मैं $6 लाख इन्वेस्ट करता हूँ और हर हफ्ते मेरे को लगभग $5,000 मिल रहे हैं, यानी महीने के 20,000, तो मेरे एक साल में हो गए लगभग कितने, 2,40,000 तो रिकवर, यानी 3 साल में वो प्रॉपर्टी मेरे को फ्री हो जाएगी एक तरह से। ओ शिट, बच गया हिरन। तो ठीक है यार, 3 साल में प्रॉपर्टी फ्री, उसके बाद अपना ही है सारा पैसा जो भी आ रही है इनकम उससे, तो सोच रहा हूँ ले लेता हूँ, कंफर्म करते हैं उसको। बाकी आप एक बार कमेंट सेक्शन में राय दे देना। ओहो अब यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी गाइज, अब पता चलेगा असलियत में कि ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। और इन रास्तों में मैं कभी नहीं आया आज तक, आप भी शायद से पहली बार ही देख रहे होंगे मेरे व्लॉग्स में ये रास्तों को। ओ भाई कितनी हरियाली है हर जगह, घास फूस घास फूस, ये वुड फैक्ट्री है, यहाँ पे भी मैंने सुना हुआ है इसके बारे में लेकिन मैं आया नहीं हूँ कभी यहाँ। अभी भी प्रॉपर वैसे ऑफ रोडिंग शुरू हुई नहीं है, अभी जा रहा हूँ मैं। अरे 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 गलत ले लिया भाई, यहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, आगे से ऊपर चढ़ाना है यहाँ, ये आया वो ऑफ रोडिंग का सीन। अब चलेगी ये गाड़ी थोड़ी मुश्किल से, ये देखो। ओहो क्या बात है भाई, सब फॉर्चुनर को यहाँ लाना चाहिए था मुझे, यहाँ हो रहा है असली ऑफ रोडिंग का टेस्ट, क्या बात है। नई रेंज रोवर और ले आया मैं पहाड़ों पे उठा के सीधा माउंट चिलियाड़ पर भाई, ओ तेरी यार, पावर के मामले में तो जवाब देना पड़ेगा, मतलब यार दाद देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा कह रहा हूँ, गाड़ी है तो तगड़ी पावर के मामले में, मतलब चढ़ रही है जितनी मर्जी चढ़ाई हो। कहाँ से है इसका माउंट चिलियाड़ कहाँ, यही तो है रास्ता। ओ भाई साहब मेरे हिसाब से तो यार सही है इसकी पावर, क्या कहते हो, पूरा माउंट चिलियाड़ का ट्रिप बनाऊँ क्या रेंज रोवर में ही, दोस्तों को भी ले आऊँगा, फ्रैंकलिन उसको माइकल और ट्रेवर को, ठीक है ना, मतलब बनाते हैं, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। ओहो क्या सही है यार ये, यहाँ चढ़ा के देखते हैं पहाड़ पर सीधा, क्या बात है, कहाँ तक ले आया भाई मैं गाड़ी को, ये देखो। ओए होए होए होए, ड्रोन शॉट दिखाऊँ यहाँ से, ये देखो भाई साहब कितनी तगड़ी जगह पे आ गया मैं गाड़ी लेके, ये देखो। ओ हो, और वो है ऊपर माउंट चिलियार देखो वोरा, तो वहाँ पे तो खैर अभी बताओगे तो ट्रिप बना लूँगा, मैंने वैसे अपनी BMW बाइक पे बनाई थी जो पुलिस के कब्ज़े में है, अगर अभी कहोगे फिर से तो बना लेंगे भैया, अभी तो नीचे उतरते हैं यहाँ से, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ओ तेरी, चलना चाहिए यार अब काफ़ी दूर आ गए हम, घर चलते हैं अपने वापस। चलो
अबे इधर तो समुद्र है, समुद्र में जा रही है क्या गाड़ी? मिट्टी कितनी है यहाँ पे भाई साहब। असली ऑफ रोडिंग यहाँ पे टेस्ट है भाई, फॉर्चुनर यहीं लानी चाहिए थी मेरे को सच में। जहाँ मैं फॉर्चुनर लेकर गया था वहाँ असली ऑफ रोडिंग नहीं थी। यहाँ देखो जानवर है हर जगह, और इंटीरियर खूबसूरत है यार इस गाड़ी के। देखते हैं यार, यही रख लूँगा, मन तो मेरा इसी में बन रहा है। और आवाज़ सुनो क्या घुर्रा रहा है, ओ ओ ओ, हिरन को लगना जाए, बच गए। बहुत मिट्टी है भाई साहब। ये देखो फैमिली ट्रिप पे आए हुए हैं अपनी घटचड़ वैन लेकर। ओ भाई क्या गुफा है ये, मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे कभी। कितने यार नए नए रास्ते हैं, वैसे अनएक्सप्लोर्ड जगह है ऐसी लॉस सैंटोस में जहाँ पे मैं आज तक नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ अब वही हमेशा एयरपोर्ट जाने से अच्छा ऐसी ऐसी जगहों पे आए करूँ मैं। क्या बोलते हो, सही कह रहा हूँ कि नहीं? मतलब वही बोर हो गया यार मैं एयरपोर्ट जा जा के, उस हाईवे पे जा जा के। अब थोड़े इन जगहों पे आए करेंगे जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है लॉस सैंटोस में। मतलब लॉस सैंटोस नहीं, ये बाहर का एरिया हो गया थोड़ा सा, मतलब पहाड़ एरिया यार, पहाड़ों वाले एरिया कितना सही रहता है। ये देखो चलाने में असली मज़ा यहाँ आता है, ट्रैफिक नहीं होता, पहाड़ हर जगह, व्यू इतना गजब का होता है, मज़ा भाई असली यहीं पे ही है, चाहे ड्राइविंग हो चाहे बाइक राइडिंग हो। बाकी आप अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर देना नीचे कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम दोनों पर, कि मेरी राय आपको कैसी लग रही है ये, मतलब डिसीजन या राय जो भी है। और हाँ उस प्रॉपर्टी के बारे में तो कन्फर्म बता देना अगर कमेंट्स नीचे ज़्यादा हो जाए। शेट 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 शेट, हाँ मैं कह रहा था अगर कमेंट नीचे ज़्यादा हो जाए तो इंस्टाग्राम पे आके बता देना ताकि मैं पढ़ पाऊँ आराम से। चलो जी पेट्रोल भरवा लूँ, गए एक बार फिर से, काफ़ी दूर जाना है क्योंकि, या रहने दूँ, पहुँच जाएगी वैसे तो अभी आधे से ज़्यादा टैंक है मेरा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, क्या बात है, क्या कंट्रोल हो रही है भाई साहब, कट तो ऐसे मार रही है जैसे स्पोर्ट्स कार हो गई। और हाँ नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको इस गाड़ी की वो भी ज़रूर बताना, मैं पढ़ रहा हूँ सबके कमेंट्स, कोशिश तो करूँगा एटलीस्ट सबके पढ़ने की। रिप्लाई भले इंस्टाग्राम और यहाँ पर नहीं दे पाता क्योंकि इतने मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं, लेकिन पढ़ने की सबके मैसेजेस ज़रूर ट्राई करता हूँ मैं, तो कमेंट करना ना छोड़ना कभी भी भाई साहब। ओ नो, बच गए बच गए, अभी हो जाता है एक्सीडेंट। यार माउंट चिलियाड बहुत दूर है, बहुत लंबी राइड हो जाती है एक तरह से इसकी। लो जी बस फाइनली पहुंच गया, जो नया पेंट हाउस लिया था उसकी रोड पर। इसकी लोकेशन काफ़ी प्यारी है इस जगह पे, मतलब खुली खुली रोड्स है, पोश एरिया है पूरा, जब भी भाई इतना महंगा मिला था। चलो जी गैराज में खड़ी करते अपनी नई गड्डी नू। चलो जी, लो जी आ गए हैं हम अपने गैराज नाल अंदर, और अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट में, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का और गेमिंग तक यूट्यूब चैनल का, वहाँ पर भी फॉलो कर लो मुझे, सब्सक्राइब मार दो ताकि आप और गेम प्लेस देख सको। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एज़ ऑलवेज़ तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। Bye. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me